हेलो दोस्तों नमस्ते, मैं विनोद सरोवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में कक्षा 12 के हिंदी साहित्य विषय से संबंधित और कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछली कड़ी में हमने काव्यांग परिचय जो 16 नंबर का और कुल मिलाकर होगा उसमें से काव्य गुण पर हमने बात की थी थोड़ी सी। आज हम प्रसाद गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसाद गुण की बात यदि हम करें तो देखेंगे कि पिछले वीडियो के अनुसार हमने जाना था कि आचार्य मम्मट के द्वारा अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में तीन गुण माने गए थे। प्रसाद गुण माना गया था, ओज गुण माना गया था और माधुर्य गुण माना गया था। तो आज हमें सबसे पहले प्रसाद गुण, उसके बाद में ओज और अंत में माधुर्य गुण के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की हम बात करें तो प्रसाद गुण में लिखा जाएगा ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़कर या सुनकर, हो सकता है श्रोता हो सकता है कोई पाठक हो, पढ़कर अथवा सुनकर सरलता से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उस पद में अथवा उस रचना में प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात उस रचना में या उस पद में प्रसाद गुण माना जाता है। देखिएगा कि ऐसी काव्य रचना है, ऐसा कोई पद है जिसे एक बार पढ़कर अथवा एक बार सुनते ही और जिसका हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो उस पद में काव्य गुण कौन सा माना जाएगा? प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात जब किसी पद में और आसान और सरलतम, हम इस परिभाषा को किस प्रकार से बना सकते हैं वो बना रहे कि अर्थात जब किसी पद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि एक सामान्य बुद्धि वाला, एक चाहे कम पढ़ा लिखा हो, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी और उसे एक बार पढ़कर अथवा एक बार सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है सरलता से, तो वहां प्रसाद गुण की प्राप्ति होती है, वहां प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात जब किसी पद में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसे पढ़कर अथवा सुनकर, क्योंकि कोई हो सकता है कोई निरक्षर व्यक्ति उसे सुन रहा हो, जिसे पढ़कर अथवा सुनकर सरलता से, जिससे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसे पढ़कर अथवा सुनकर कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी सरलता से अर्थ ग्रहण कर लेता है तो वहां प्रसाद गुण माना जाता है। तो वहां
प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात मतलब ऐसी रचना है जिसमें इतने सरल, इतने प्रचलित या एक आम चलता हुआ भाषा के जो शब्द है उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो या उन शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिसको पढ़कर अथवा सुनकर, एक बार ही पढ़ा अथवा एक बार ही सुना तो कोई सामान्य व्यक्ति भी और उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, अर्थ उसका उसने वो अपने अंदर दे लेता है। तो ये मान के चलिए वहां कौन सा गुण माना जाएगा, प्रसाद गुण माना जाएगा। आप कक्षा 12 की यदि हम बात करें तो कक्षा 12 में रहीम के दोहे हैं, अनिवार्य हिंदी में रहीम के जो दोहे हैं वो समस्त दोहे, अधिकांश दोहे और किस श्रेणी के किस उन दोहों में कौन सा गुण माना जाता है, अधिकांश दोहों में प्रसाद गुण की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे वहां कि कोई भी दोहा है, उस दोहे पहले दोहे में कोई संदेश दिया गया है, कोई नीतिगत बात की गई है और उसके पश्चात उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो उस उदाहरण के माध्यम से कोई व्यक्ति, वह जो उदाहरण दिया गया है वह उस व्यक्ति के आम जीवन से जुड़ा होता है और इसके कारण से वह आसानी से उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। और इसी आसानी से अर्थ ग्रहण करने की वजह से ही उस पद में प्रसाद गुण माना जाता है। तो यदि रहीम का कोई दोहा आता है तो आप उसमें कौन सा मानेंगे, प्रसाद गुण माना जाएगा। कुछ उदाहरण हम यहां देते हैं, देखते हैं जैसे हमने बात की कि ऐसी ऐसे शब्दों का या कि एक ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर अथवा सुनकर आसानी से सरलता से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहां प्रसाद गुण माना जाता है। हम जैसे उदाहरण देखते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, शरण पनाह में, अपनी पनाह में हमें रखना, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, तो ये एक पद है जिसमें देखेंगे हम कि हे प्रभु आनंद दाता, कि हे प्रभु आनंद दाता, आनंद देने वाले हमको जान दीजिए, जान हमको दीजिए कि हमें जान दीजिए, और शीघ्र सारे दुर्गुणों को कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो अवगुण है, जो दोष है, हमारे चारित्रिक दोष जो है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, उन्हें हमसे दूर कीजिए, हमारे चरित्र से उनको दूर कर दीजिए, लीजिए हमको शरण में, आप हमें अपनी पनाह में ले, अपनी शरण में ले, हम सदाचारी बने, कि आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए ताकि हम सदाचारी, अच्छा आचार व्यवहार करने वाले बने, ब्रह्मचारी बने, हम धर्म रक्षक और वीर बने, व्रतधारी बने, कि वीरता का जो व्रत है, व्रत का मतलब यहाँ पर संकल्प से है कि वीरता का संकल्प लेकर और हम अपने देश के लिए जो कुछ यदि जरूरत पड़ी तो हम करें, तो इस प्रकार से हम बने। तो ये एक संदेश माखनलाल चतुर्वेदी की रचना ही है उन्होंने और यहाँ दिया है। तो इसका अर्थ कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है वह ग्रहण कर सकता है कि इसमें और व्यक्ति को अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए इस प्रकार के निवेदन किए गए हैं,
भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, रब से, बोर्ड से, तो इसलिए और वो अर्थ ग्रहण कर लेता आसानी से। जब आसानी से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता तो वहां माना जाता है प्रसाद गुण। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा एक बहुत ही प्रचलित है, मेरे जैसे जितने भी अध्यापक है मैं बात करूं तो 98-98% लोग जब भी प्रसाद गुण पढ़ाएंगे, यहां जो मैं पद लिख रहा हूं वो पद लिखाते हैं, तो वो पद है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उन्हें, रवि बटोर लेता उन्हें, सदा सवेरा होने पर। कवि कह रहा है कि वसुंधरा, वसुं जोड़ी धरा, वसुओं को धारण करने वाली है जो वह अर्थात पृथ्वी, कि पृथ्वी बिखेर देती है क्या, है बिखेर देती वसु क्या, मोती कब, सबके सोने पर, कि वसुंधरा सब लोगों के सो जाने पर और इस पृथ्वी पर मोती बिखेर देती है, और वो मोती क्या होते हैं, ओस की बूंदे होती हैं, ओस की बूंदे और पूरी पृथ्वी पर आ जाती हैं रात के समय में, रवि बटोर लेता उन्हें, और सुबह है रवि, रवि मानी सूर्य, बटोरना एकत्र करना, वो एकत्र कर लेता है, बटोर लेता उन्हें सदा सवेरा होने पर, कि हर रोज का ये क्रम है, जो ही सदा हर रोज जो ही सवेरा होता है तो रवि अर्थात सूर्य उन्हें बटोर लेता है, एकत्र कर लेता है, एकत्र कर लेता है, एकत्र। और कई दफा हमने शब्द देखा है एकत्रित, तो एकत्रित दोस्तों गलत शब्द है, ये शुद्ध वर्तनी एकत्र ही मानी जाती है, एकत्र ही है, एकत्रित अशुद्ध है, आप इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से और यदि हम देखें तो रहीम के जो दोहे हैं वो अधिकांश दोहे और कौन से गुण में आते हैं, प्रसाद काव्य गुण में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम ओज गुण के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन।